नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर आवास दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार को उपरे बरसिला बीजेपी कहला प्रशासन साजिछंती विजु जनता दल कर्मी मोदी सरकार विपुल परिमाण घर पठाई बेले अयोग्य हाथ में टेक दि जाऊँगी घर प्रेसमिट में बरसिले राज्य सभापति समीर महांती पुणी सीमांत में माओ तांडव छत्तीसगढ़ दांतेवाड़े बड़धरणर विस्फोरण जवान को टार्गेट करी खंजिथिले आईडी शिकार हेले साधारण लोके विस्फोरण में बार जन आहत सूचना ओएसएससी परीक्षा दुर्नीति प्रसंग में बरसिला कांग्रेस कहला पदारे पड़ला राज्य सरकार को स्वच्छता दुर्नीतिर चेर क्योंठी अच्छी ओडिशावासी को अंधारे न रखी स्पष्ट करंतु राज्य सरकार टोकियो इतिहास रचिला भारत पुरुष हॉकी रे भारत को ब्रोंज 5-4 रे जर्मनी को हरेला टीम इंडिया हॉकी रे 1980 परे प्रथम थर पदक जीतिला भारत एसएफ समय रंजन मृत्यु मिस्ट्री रे उठुनी पर्दा आज विद्या भारती को परलाखेमुंडी नहीं सीन रिक्रिएशन करी परे पुलिस गतकाली विद्या को होइतला माराथन जेरा पुलिस हाथ में अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिलिथिबा सूचना दुई दिन है 1300 उपरे संक्रमण गत 24 घंटा रे राज्य रे पुणी 1342 पॉजिटिव चिन्हट सेबडे आउ 68 मुंड नेला किलर भाइरस आज उत्तर प्रदेश पालुछि गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस 15 कोटी रु अधिक हिताधिकारी को संबोधित करिवे प्रधानमंत्री हिताधिकारी सहित सीधासलख कथा भी मोदी उपस्थित रहिबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार को उपरे बरसिला बीजेपी बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती आज सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार को टार्गेट करछन्ति बीजेपी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल भद्रक तिहिड़ी ब्लॉक रो कुबेरा पंचायत एवं भंडारी पोखरी ब्लॉक गस्त करते जोठी आवास दुर्नीतिर छाप देखा मिली प्रधानमंत्री 2022 सुधा समस्त मुंड पक्का घर करने स्वप्न देखी से ओडिशा को वर्तमान सुधा प्रधानमंत्री आवास योजन प्राय 30 लक्ष पक्का घर आंतु प्रकृत हिताधिकारी घर मिलनी प्रशासन को ए बाबद रे जणाइले साधारण लोके न्याय पाउ नांती दुर्नीति को प्रतिरोध कले पुलिस नाली आखी देखाउथिबा अभिजोग होइछि केपे घर पाइबे एमानंकर मु निसो चक्षुरे देखि के आछि गणा माध्यम सहित देखि के आछि भंडारी पोखर रे मध्य ओले गोपालपुर पंचायत बाहाणिया ग्राम समाज रे अंतिम धाडी रे छिडा हेतिबा व्यक्ति विशेष तां घर को मु निजे देखि के आसिलि जोटि नित्यानंद जेना कुना जेना बामदेव जेना यही आठ जन आठटी परिवार गण राति जा गणमाम प्रतिनिधि जड़े दिज मो सहित थिले देखिंट कौ स्थित लोक रही कहीं से दलित परिवार पाइबे ना घर कौन कर प्रशासन से प्रशासन को ये बाबद जड़ेले आप प्रशासन एथिरे सीधा सड़क भाव ये विजु जनता दल प्रशासन सेठी साधारण लोक न्याय पाइबे ना भारतीय पुरुष हॉकी दल ऐतिहासिक विजय पर फोन करी हॉकी दल अधिनायक मनप्रीत सिंह को शुभेच्छा जनाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनप्रीत सहित हॉकी दल कोच उपस्थित थे पूरा टीम को अनेक अनेक शुभेच्छा जनवा को कहते प्रधानमंत्री यह विजय प्रधानमंत्री प्रेरणाजनक बार्ता संभव हो पार्छ भारतीय पुरुष दल अधिनायक और खिलाड़ी प्रधानमंत्री को फोन सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए आप लोगों की मेहनत काम कर रही है थैंक यू सर और क्यूज देने में बहुत मेहनत की आप सबके साथ बिल्कुल सर
संसद कार्यरे बाधा सृष्टि करछि कांग्रेस। गृहरे कांग्रेसर आभिमुख्य को टार्गेट करछन्ती बीजेपी मुखपात्र रविशंकर प्रसाद। संसदरे कांग्रेस दलर आभिमुख्य दायित्वहीन। केन्द्र सरकार सब प्रसंगरे आलोचना पय प्रस्तुत रहिछन्ती, किंतु कांग्रेस देश अपेक्षा परिवारवाद को अधिक गुरुत्व देउथवा अभियोग आनछि बीजेपी। देश स्वाधीन हेबा परे प्राय 50 वर्ष धरि देशरे शासन करछि कांग्रेस सरकार, किंतु आजि सेही दलर व्यवहार ओ आचरण किभळी रहिछि देशवासी जानिबार समय आसिछि। लाल बाहिनीर लाल आतंक मालकानगिरी सीमा छत्तीसगढ़ दंतेवाड़े घटाई बड़ धरणर विस्फोरण। आईडी विस्फोरण में 12 जन साधारण लोक आहत होती। आहत मानक चिकित्सा पर आंबुलांस जगे नि दंतेवाड़ घोटिया निकटे जवान को टार्गेट कर माओवादी विस्फोरक बिछाइवा बेले ए साधारण जनता आहत होती। भरसना की यानी कि कम है कि नक्सलियों द्वारा जो है एक सिविल बुलेटो को जिसमें कि 12 ग्रामीण ट्रैवल कर रहे थे, जानते हुए कि ग्रामीण है, इसको ब्लास्ट कर दिया गया। तार लगा के कमांड आईडी से ब्लास्ट किया गया। आज 7:35 पे दंतेवाड़ा पुलिस वहां तुरंत घटनास्थल पर पहुंच के 3 लोग जो काफ़ी जख्मी हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। बाकी 9 घायलों को भी एम्बुलेंस में बैठा के दंतेवाड़ा रवाना किया गया। कल हमें ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि नक्सली यहां देखे गए हैं और कुछ आईडी लगाने की सूचना थी। फोर्स को अलर्ट किया गया था, बीडी स्क्वाड मॉर्निंग में निकाला गया था। इन गाड़ी को भी बोदली में थोड़ी समझाई दी गई थी कि अभी आगे आईडी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये सिविल गाड़ी थी तो ये लोग कॉन्फ्रेंस में यहाँ निकल आए। और ये बहुत कम देखा गया है कि नक्सली इस तरह की घटनाएँ करते हैं, लेकिन क्योंकि लगातार फोर्स डोमिनेट कर रही है नक्सलियों को घाट, आप देख सकते हैं पूरा बुआरपुर से लेकर बोदली तक ब्लैक टॉप सड़क बना दी गई है और लगातार ग्रामीणों का आवाजमन हो रहा है। पीछे भी आप देखेंगे बाइक में कुछ ग्रामीण जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ग्रामीणों से बदला ले रहे हैं क्योंकि ग्रामीणों की मदद से ये रोड बनी है, ग्रामीणों की सूचना पे पुलिस काम कर रही है। इसीलिए ग्रामीणों को नक्सली द्वारा जो है टारगेट किया गया है और जिसमें कि 12 ग्रामीण जो है घायल हुए हैं। दुर्नीतिर चेर क्योंठी। स्टाफ सिलेक्शन सदस्यों पीए बीरंजी नारायण साहू घरु विपुल परिमाण संपत्ति जबत पर राज्य सरकार स्वच्छता पदारे पड़ी अभियोग कर राज्य कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन विधायक देवाशीष पटनायक एक सांबादिक सम्मेलन में सरकारों पर बर्षिं दुर्नीतिर चेर क्योंठी अच्छी प्रश्न करने सहित ओडा लोक अंधारे न रखी राज्य सरकार स्पष्ट करतु से दावी कर। बीरंची बाबूंर इतिहास को जो पर्यालोचना करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इतिहास को पर्यालोचना करेंगे, ताले स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज ए होक्स बोली प्रमाणित है एवं यार कि मतलब नहीं। पैसा रे मिले चाकरी एवं पैसा देने सबकि संभव, एटा स्टाफ सिलेक्शन प्रमाणित करें। प्राइवेट सेक्रेटरी कोटी कोटी टकर मालिक हम कमी जदि तापर बड़ पंडा हाथ न रुए, तेणु स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 5T रो कौन गोटे टी को माने ये करी मानी सेटा नहीं, पूरा अवज्ञा करी। टोकियो इतिहास रचिला भारतीय पुरुष हॉकी टीम। जर्मनी को हराई ब्रोंज पदक जीति भारत। जर्मनी को 5-4 गोल हराई बड़ सफलता हासिल करछि टीम इंडिया। खेल आरंभ मात्र 2 मिनिट्रे प्रथम गोल कटला जर्मनी, यापर 17 मिनिट्रे शिवर्जनी सिंह गोल करी मैच को बराबर स्थिति को आनते। यापर 24-25 मिनिट्रे बैक टू बैक गोल करता जर्मनी, किंतु 3-1 पछुआ भारत कम बैक अटला। 27 मिनिट्रे हार्दिक सिंह और 29 मिनिट्रे हरमनप्रीत सिंह पेनाल्टी कर्णर गोल करते। हाफ टाइम बेलू को उभय टीम 3-3 मैच बराबर रही। 31 मिनिट्रे पेनाल्टी स्ट्रोक्रु गोल करते रूपिंदर पाल सिंह, यह सहित भारत 4-3 आगुआ हो। 34 मिनिट्रे सिमरजनीत सिंह मैचर द्वितीय गोल कर भारत को 5-3 गोल आगुआ करते। 48 मिनिटे जर्मनी आउ एक गोल कर मैच को 5-4 को आनी। 1980 शेष थर पर भारत हॉकी पदक जीति।
टोकियो ओलंपिक रे पुरुष हॉकी दल कीर्तिमान जर्मानी को 5-4 गोल हरे ब्रोंज पदक जीति भारतीय पुरुष हॉकी दल तेबे विजय भारत पई आनी अजस्र खुशी कारण 41 वर्षर व्यवधान पर भारत आनी पदक 1980 मसीह भारतीय हॉकी दल स्वर्ण पदक जीति विजय पर दल को सबु दिगर छुटुची शुभेच्छार सुअ एक क्रम ओडिशा ओलंपिक संघ जणाइछि शुभेच्छा पूर्वर होइतिबा आर्थिक पुरस्कार हिसाब से दुई जन खेलाड़ी वीरेन्द्र लाक्राय और अमित रोहित दास को लक्ष लेखे आर्थिक पुरस्कार घोषणा करछि राज्य ओलंपिक संघ। आज एक ऐतिहासिक दिन भारतीय स्पोर्ट्स एवं पर्टिकुलरली ओडिशा स्पोर्ट्स ओडिशा रो दीदी टी पिला आज जो टीम टी आमर हॉकी टीम टी ओलंपिक गेम्स 41 वर्ष पर पदक पाइले जो दुईटी पिला अच्छा वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहित दास को आम ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन तरफ और पूरा टीम को ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन जनाऊँ तर आगामी दिन में करियर आहरी उन्नति करूँ ये आम आशा करूँ ओडिशापाई भारतवर्षपाई ना करूँ आमर ऑलरेडी आम टीम जावा पूर्व आम डिक्लेयर करूँ जो टीम चंपियन जे गोल्ड आणले जे आम ओडिशा पिला जी गोल्ड आणव 5 लाख टंका और जे सिल्वर आणव 3 लाख टंका और ब्रोंज आणले 1 लाख टंका तो आम से हिसाब से अमित रोहित दास और वीरेन्द्र लाक्रा को ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन तरफ 1 लाख टंका देबु। कटक चंडी छकरु कॉलेज छात्र तुषारकांत साहू निखोज घटना जोब्रा ब्यारेज निकटू एक मृतदेह को ठाब कर तेज उक्त मृतदेह तुषारकांत संदेह करे जोब्रा निकटू मृतदेह उद्धार कार्य लगी ओड्राफ टीम घटनास्थल में पुलिस निखोज छात्रों पर लोके अग्निशम टीम पहुंची छानबीन जारी रखी संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान तुषारकांत निखोज अच्छा एपर्त कौन पता मिली तेल जोब्रा निकटू जो डेडबडी टी मिली कौन यह तुषारकांत किसी स्पष्ट सूचना मिल पार्टी कि संपर्क में इमरान देखो निर्णय जब भाव में विगत दुई दिन पाखापाखी आज तो मिसाइक कलेज कटक चंडी छक जो छात्र कृष्ण महाविद्यालय पढ़ते तुषारकांत साहू से निखोज थे पर लोक अभियोग एतला देते परवर्त अवस्था बर्तमान खोजताड़ चलती कि बर्तमान जो गोटे शब जबत बर्तमान होती है नईरे भाषा को दृश्य मिले बर्तमान दृश्य देखेबी ये हूँ प्रथम बर्तमान अर्गस माध्यम गोटे बर्तन शब इटी भाषु देखा मिलता परवर्त अवस्था पुलिस को खबर दिगला दल बाहन ओड्राफ टीम निज जीवन को विपद में पकईकी बर्तमान से उद्धार कार्य लगी स्थानीय थाना पुलिस अधिकारी समस्त उपस्थित होती सहित जो जी बर्तमान जो डेडबडी शब बर्तमान आप सीधा सड़क दृश्य देखी पार्थे ओड्राफ टीम ये पहुंची सारी बर्तमान उद्धार कार्य लगी पड़ते प्रकृत से शब से मृत शरीर प्रकृत से तुषारकांत साहू को अच्छी ना ना ता बर्तमान सुधा स्पष्ट होना कि घटनास्थल बापा भौणी पर लोक समस्त आसिक उस्थित होती सीधा सड़क जाए प्रतिक्रिया ना पर लोक अच्छी आम प्रतिक्रिया ना प्रकृत में बुझा जे प्रकृत से अच्छी ना डेड बडी पचारे बुझा सांग भाई मैंने अच्छा प्रकृत में जो आप तुषारकांत निखोज थे बर्तमान कौन देखते शब मिली अच्छी ना आज बर्तन सुधा कौन स्थित देखते नहीं सी तो जापारू आम भलसे से उपरक आइए जना पड़ो कौन अच्छी साथी जहाँ कह कथ कलर ड्रेस तो सेमती किसी जना पड़े से ट्रैक पैंट पिंधा से उपरूठ आम देखिए कहू आम पिला ना ना आदि भी सेमती किसी आर विरोध बहुत हम निर्मा आप प्रतिक्रिया शुणुते जेहतु बर्तन शब उधार कर उधार कार्य लगी पड़ते ओड्राफ टीम स्थानीय पुलिस अच्छा समस्त निज जीवन विपद पठे बर्तमान उद्धार कार्य जोरदार चलते कि प्रकृत में से शबटी से संपुक्त निखोज छात्र तुषारकांत साहू को अच्छी ना ता बर्तमान सुधा किसी स्पष्ट होना कि आपड़ जब देखिए ये जो घटनाटे घटी यहाँ पर लोकों पक्षर डीसीपी कार्यालय द्वारस्थ मैंने होती डीसीपी की गुहारी करते आम पिला निखोज अच्छी प्रकृत कौन होता ना क्या ना कहीं जब आप देखिए सी जो घटनाटे ये घटी पाखापाखी दुई दिन होगा पिला घर निखोज थी तार स्कूटी कटक मधुसूदन सेतु पक्षर विलंबित रातिर उद्धार करवर्त अवस्था से स्थानीय थाना को खबर देते कैंटनमेंट थाना को थाना खोटाड़ कर परवर्त अवस्था जिते बड़े स्कूटी जबत था स्कूटी जबत होने विभिन्न थाना कोई खोटाड़ जोरदार आरंभ होता है आज जीत अपने सीधा सड़क दृष्टि देखी पड़ते हैं ओड्राफ टीम
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଆସିଛି ମଧୁସୂଦନ ସେ ସବୁଠୁ ପଡିଥିଲା ବା ଯାହାକି ଅନୁମାନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶବ ଏଠି ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିପଟର ଏଠି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ପାଣିର ସୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟାଥରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଠାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଇ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଧା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସୁଅ ଯେତିକି ଜୋର୍ରେ ଅଛି ତାହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼େ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଗେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଏଠାକାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କେମିତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି କ'ଣ ଆମର ଗେଟ୍ଟା ଏଇକିନା ପଡ଼ୁଛି ଗେଟ୍ ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଗେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନଥିଲା ପଡ଼ିଗଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ କେମିତି ଆସିକି ଭାସି ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଖବର କେମିତି ମିଳିଲା କେମିତି ଆସିଲା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ପାଣିଟା ଯାଉଥିଲା ଦେଖୁଥିଲୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଲାଷ୍ଟଟା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ପୋଲିସ ବାଲା ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ PSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସିଏ ସେଇଠୁ ଗେଟ୍ଟା ପକାଉଛନ୍ତି ଗେଟ୍ଟା ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମିଳିସାରିଲାଣି ହାତରେ ଖାଲି ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ କାଠିନ୍ୟ କାମ ରହିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯେହେତୁ ଜୀବନ ବିପଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଶବ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ର ତୁଷାରକାନ୍ତ ସାହୁ ଯିଏକି ନିଖୋଜ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶବ ତାଙ୍କରେ ହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଛାତ୍ର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶବ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ସେ ଶବ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଅଛି ନା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ କଟକ ତିନୋଟି ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବା ଇମ୍ରାନ ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି କି ଡେଡ୍ପୋର୍ଟଟି କାହାର ତୁଷାରକାନ୍ତ ନା ଆଉ କିଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ହେଉଛି ତୁଷାରକାନ୍ତ ଯଦି ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଡେଡ୍ବଡ଼ି ବୋଲି କ୍ଲିୟର ବି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ଛକରୁ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଏ ଡେଡ୍ବଡ଼ି ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ ତାହେଲେ କାହାର ତାହେଲେ ଏ ଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ିଛି କିଏ ନା କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ ତେଣୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଇମ୍ରାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମା ବିଗତ ତିନି ଦିନ ହୋଇଯିବ କଟକ ସହରରୁ ତିନୋଟି ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ଯୋବ୍ରା ରହମାନ ଛକରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାଳକ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଯୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କଟକ ସହରର ଆହୁରି ଜଣେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶବଟି ସେ ଯୁବକଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଟକ ସହରରୁ ବିଗତ ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ତିନୋଟି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି କଟକ ସହରର ଯୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶବଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାଲେପୁର କିଶନନଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶବ ସବୁ କାହାର ରହିଛି କାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯିବ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ନିଖୋଜ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ଅଛି ଇଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି କାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛେ କି ହଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ କିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅପହରଣ କରିଛି ନା କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ FIR ପରେ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଜାଖୋଜି କେଉଁ କେମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏ
ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମା, ନିଖୋଜ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିଲେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ପାଖରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଛାତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯେତେ ତା ସ୍କୁଟି ସେ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ପାଖରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ନଈ କୂଳ ପାଖରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 8-9 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ କଷ୍ଟ କଲା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇମ୍ରାନ୍, କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁଷାରକାତଙ୍କର ସ୍କୁଟିଟା ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ତ ସେଠୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କେମିତି? ଏକା ତୁଷାରକାନ୍ତ ରହିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କ କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଘଟଣାକ୍ରମ ବା ଘଟଣା ଘଟିବା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଘଟିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, କି ତୁଷାରକାନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଗଲେ କେମିତି, ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ସେଇଟା ଶବ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯିବ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ସେ ଜାଗାରୁ ଯେହେତୁ ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ଏ ସ୍କୁଟି ତାଙ୍କର ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସାହୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଯଦିଓ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯଦିଓ ସେ ନଈ ଭିତରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶବ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ବା ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାରି ରହିଥିଲା, ସେଠି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଶବ ମିଳିଥିଲା ନାହିଁ ବା ଶବ କୌଣସି ମିଳିଲାନି, ଯେହେତୁ 8-9 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ଏଠି, ଯେହେତୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁରା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ 3-3 ଯୁବପିଢ଼ି କଟକ ସହରରୁ ନିଖୋଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା। ସେପଟେ ନଈ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ ଆଜି ଯୋବରା ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ମିଳିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶବଟି କାହାର ବା ପରିଚୟ ଯେହେତୁ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋବରା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶବକୁ ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଡେଡ୍ବଡ଼ିଟି କାହାର, ତୁଷାରକାନ୍ତ ନା ଆଉ କିଏ, ତାହା ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଯଦି ଏଇଟା ତୁଷାରକାନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଗଲେ କେମିତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ନଈ ଭିତରକୁ ଗଲେ ବା ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡ଼ିଛି ନା ଆ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା କ'ଣ କାରଣ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍, ଦେଖିଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସାମାଜିକ ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମରାଠାରେ ଗୋକୁଲ ତରଫରୁ ତୃତୀୟ ସବ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାସ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଯୋଗଦାନ କରି ଦୋକାନର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଆଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 45 ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହିବି କି ଆଜି ଇନାଗ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଗୋକୁଲ, ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ ପଟିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ବଟ୍ ଜାଗମରା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖୋଲିନଥିଲା। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ଭେରି ମଚ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଟିମ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକି ଭାବିଲେ କି ହଁ ୱି ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ସମଥିଂ ନ୍ୟୁ, ବିକଜ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହିକିନା ବହୁତ ବୋର୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସରିବ, ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ କମ୍ ହିୟର୍, ୱି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଫନ୍, ଆମେ ଆମ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଆସିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ। ସୋ ୟା ଆଇ ସ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସୋ ଅନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ବସିପାରିବେ, ଦେ କେନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେମାଳ ମେଗା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର କାମ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ କେନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସହିତ କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସିବା ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର 5 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1980 ମସିହାରେ 25 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ 4000 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରେମାଳ ମେଗା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହାର
7 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲରେ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁନଥିଲା। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କେନାଲ ସଫା ପରି ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। शायद वहाँ कोई सहायक होंगे तो देखें कि उनका माइक नहीं चल रहा है क्या है, वो कुछ बोल तो रही है। बबीता जी कुछ बोलिए तो सुनाई देगा। बबीता जी नमस्ते। अच्छा सुनाई तो देता है आपको। हेलो तो बबीता जी आप क्या खेती करती हैं? हाँ सर खेती करती हूँ। खेती करती हैं? अच्छा हाँ, पशु कितनी भी रखती जमीन है? जमीन अच्छा क्या क्या इस बार क्या उगाया है, क्या फसल कर रही हैं? धान की फसल ये सम्मत बह रही है। हाँ बारिश ठीक हो गई है? हाँ बारिश ठीक हो रही है। ठीक हो रही है हाँ। अच्छा पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मैं भेजता हूँ हाँ, वो आपको मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, खाते में जाता है। सीधा खाते में आ जाता है? हाँ खाते में आ जाता है। बीच में कोई पैसा कटकी करता नहीं है ना? ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा जब कोरोना की महामारी फैली तो सभी परेशान हो गए हाँ। तो ये जो मुफ्त राशन की योजना है हाँ। इससे आपको मदद मिली, संतोष हुआ आपको ऐसे समय हाँ, मदद। सरकार आपकी चिंता कर रही है ऐसा लगा आपको? हाँ मदद हुई सर, राशन मिला, महीने में 2 बार मिलता है हाँ। खाने को कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी सुविधाएं अच्छी है हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके आशीर्वाद बने रहे। और बबीता जी राखी का त्योहार आ रहा है और आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं तो मुझे और अच्छा लग रहा है। बबीता जी आप घर भी चलाती हैं, खेती भी हाँ, करती हैं, पशुपालन हाँ, भी करती हैं। आप जैसे छोटे किसान और पशुपालकों को परेशानियां ना हो इसके लिए सरकार हर स्तर पर मदद कर रही है। बीज हो, खाद हो, दूसरी जरूरतों के लिए आपको दूसरों से महंगा ऋण लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको जी। किसान क्रेडिट कार्ड सुलभ है, उससे है। आप चाहे फसल के लिए हो या फिर पशुधन के लिए हो आसानी से कर्ज ले सकते हैं। आप किसी के साहूकार से ज्यादा ब्याज दे करके कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इन सारी चीजों का फायदा उठा रही हो? जी सर उठा रही हूँ। हाँ चलिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर से श्रीमती कमलेश हमसे जुड़ेंगी, कृपया सहारनपुर को लिंक करें। कमलेश जी नमस्ते। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। कमलेश जी राशन मिल रहा है आपको? जी प्रधानमंत्री जी। कितने समय से मिल रहा है? 2 महीने से। अच्छा पहले वाला भी मिलता था जी। और अभी पता है दिवाली तक मिलने वाला है? जी प्रधानमंत्री जी पता है। अच्छा अच्छा आपको और कौन कौन योजनाओं का लाभ मिला है? सरकार की कौन कौन सी योजना है जिसका आपको लाभ मिला है? सभी योजनाओं का लाभ मिला है प्रधान जी। है जी मुझे सभी योजनाओं का लाभ मिला है, मेरा मकान बना है। अच्छा मकान मिल गया है, और क्या मिला? शौचालय मिला है। तो पहले कहाँ रहते थे? कच्चे मकानों में रहते थे। अच्छा अभी पक्का मकान मिल गया? जी। तो पक्का मकान मिल गया तो मेहमान बहुत आते होंगे घर पे? जी प्रधानमंत्री जी मेहमान भी आते हैं और हम भी बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो मेहमान आते हैं तो बहुत खिलाना पिलाना पड़ता होगा जी। पहले तो कच्चा मकान होगा तो कोई मेहमान भी नहीं आते होंगे जी। नहीं अब तो सभी आते हैं। अच्छा ये घर आपने अपनी योजना से बनाया, जैसा बनाना चाहते वैसा बनाया, या फिर किसी सरकारी आदमी ने आपको कहा ऐसा बनाया, ऐसा बनाओ वैसा करो ऐसा किया, क्या किया? जी नहीं हमने अपने दिमाग से बनाया और जो पैसा मिला है उसमें हमने और थोड़ा मिलाकर अच्छा बना दिया। अच्छा तो आपको जैसा चाहिए वैसा घर बन गया है?
हाँ जी, जैसा हमें चाहिए था हमने ऐसा ही बनाया। तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको भी सुविधा हो जाएगी घर में? जी प्रधानमंत्री जी, बच्चे बड़े हैं और सारी सुविधा होगी। अच्छा कमलेश जी, आप एक तो घरेलू काम करती हैं, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आप जैसे सभी माताएं बहनों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पेंशन की योजना भी चल रही है। हाँ, आप चल रही है। और आप जैसी सभी बहनें, सभी श्रमिक साथी इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये 60 वर्ष की आयु के बाद आपको बहुत बड़ा संबल देगी।